और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और अभी दोपहर का टाइम है तो ये देख सकते हो बारिश लग गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, हल्का हल्का बूंदे पड़ रही है बारिश की। और ये पीछे मेरे पीछे मौसम है, ये देख सकते हो। तो मैं अभी मार्केट गया था, तो उसके बाद आने मैं के बाद दिखाता हूँ अभी मैं वंदना क्या कर रही है इस टाइम, क्योंकि भी अभी लगी है जोरों से भूख। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब भाई? अगर आपके बाल भी हो गए हैं बहुत ज्यादा ड्राई, फ्रिजी, लगातार हार्श शैम्पू यूज करने की वजह से या फिर हीट ट्रीटमेंट्स की वजह से प्रॉब्लम, चाहे जो भी है, स्प्लिट एंड की समस्या है या फिर बहुत ज्यादा झाड़ू जैसे बेकार बेजान आपके बाल हो गए हैं, तो घबराइए नहीं। बहुत ही सिंपल जैसा सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो देखिए, ये है वाव स्किन साइंस की मोरगन आर्गन ऑयल हेयर केयर रेंज, जिसमें कि तीन प्रोडक्ट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और तीनों के तीनों हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी हार्श शैम्पू यूज़ करते हो तो आपके बाल जो है बेजान होते जाते हैं होते जाते हैं, इसलिए सही शैम्पू और कंडीशनर का चुनाव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कि इसमें विटामिन ई जो है काफ़ी हाई क्वांटिटी में होती है, जो कि आपके बालों को नरिश करती है। अगर आपके बालों में बिल्कुल भी जान नहीं रहेगी है तो आपके स्कैल्प को भी ये अच्छी तरह से नरिश करती है, हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज रखती है अगर आपको ड्राइनेस की समस्या हो गई है तो। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ ऑयल। ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सब जानते हैं कि जब भी आपको अपना हेयर वॉश करना होता है ना, तो उससे पहले आपको ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लगभग 1 घंटे के लिए अपने बालों में ऑयल ज़रूर लगाइए। अगर टाइम है तो आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हो। तो ये है ऑयल कैसे लगाना है, पहले तो आप यहाँ पे देखिए। और बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग बहुत ही कमाल की है। बालों में जो ये ऑयल है ना, लगाना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। ये पंप की हेल्प से आप इस तरह से, मतलब जैसे आप देख रहे हो, इस तरह से स्कैल्प में अच्छे से मसाज कीजिए। फिर ऑयल को ओवरनाइट अपने बालों में ऐसे ही छोड़ सकते हो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिजी जैसे आपके बाल हो गए हैं तो। इसके बाद बात करते हैं मोरगन आर्गन ऑयल शैम्पू की। तो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। और अगेन विटामिन ई काफ़ी हाई क्वांटिटी में होने की वजह से ये आपके बालों को नरिश करता है और बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने देता, जैसे कि अदर शैम्पू जो होते हैं बहुत हार्श केमिकल उसमें यूज़ किए होते हैं तो आपके बालों को डैमेज करते जाते हैं करते जाते हैं, और फिर नतीजा कि आपके बालों में स्प्लिट एंड्स की समस्या, बहुत झाड़ू जैसे बेजान बेकार हो जाते हैं। तो इस केस में आर्गन ऑयल जो है विटामिन ई से काफ़ी भरपूर होता है। इसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है आपके बालों की केयर के लिए, वो है कंडीशनिंग। आपको एवरी वॉश, जब भी आप अपने बालों में शैम्पू करते हो उसके बाद आपको कंडीशनर जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। बात करें आर्गन ऑयल रेंज की, तो अगेन ये जो कंडीशनर है ये आपके बालों को बहुत एकदम सिल्की शाइनी स्मूथ बनाता है, और अगर आपको ड्राइनेस की समस्या है, फ्रिजी हो चुके हैं बाल, तो उस केस के लिए बहुत ही बेहतर है। तो जैसा भी आप देख रहे हो, इस तरह से जितने के अमाउंट में आपको चाहिए आप बालों में अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लीजिए। थोड़ी सी देर, अपने 5 मिनट अपने बालों में ऐसे ही लगा रहने दीजिए, फिर इसके बाद अपने बालों को अच्छे से फिर से पानी से साफ कर लीजिए। बहुत ही अच्छे बेहतरीन रिजल्ट ये आपको देता है। जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं, इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्हें इजीली चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप वाव की जो ऐप है वहाँ से डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके पास नहीं है आपके फ़ोन में, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से जब आप परचेज करते हो, जब आप नेक्स्ट परचेज करोगे तो उसमें आपको काफ़ी डिस्काउंट भी देखने को मिलते हैं। तो आई होप मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। ये देखो, और ये वंदना मारी मेरे लिए चपातियां, गर्मा गर्म रोटियां, और साथ में क्या बनाया हुआ है? साथ में बनी है ये देखिए दाल। दाल किसकी है? मूंग की। मूंग की दाल। और मौसम तो हो गया दोबारा से खराब। और मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पे हैं? प्यारे बच्चे को रेस्ट मिला है। और ये रेस्ट क्या कर रहे हैं बच्चे? वे टीवी देख रहे हैं। कब से देख रहे हो बेटे? बच्चे आपकी भी शानवी, आपने आज का होमवर्क कर लिया है? क्लास अटेंड कर ली है सारी की सारी? हाँ, तो बहुत काम किया है। मैंने बहुत जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। मैंने बहुत ही काम किया है ना, और साथ में बस एक लिखूंगी। अभी एक ही होमवर्क रहा है और पूरा कंप्लीट कर दिया है? शाबाश पापा की मुन्नी, शाबाश। अब चलो मिट्टू के पास चलते हैं। मिट्टू, आपने होमवर्क कर लिया है? हाँ।
कौन कौन सा होमवर्क किया आपने? हाँ जी बोलते हैं, कौन सा होमवर्क किया आपने? कॉपी में देख लेना, बहुत सारा शाबाश मिठू ने। अभी तो मुझे एक और लिखना है। चलो थोड़ी देर टीवी देख लो ना, फिर खाना खा लेंगे, हम लंच कर लेंगे। चलो ठीक है, आप भी लंच कर लो, हम भी लंच कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मॉर्निंग का है टाइम और पूरी रात भर हुई आज बहुत ज़्यादा बारिश, अभी भी बारिश लगी हुई है। वो देखो जी, और जी आप कहाँ तैयार हो गए? हेलो गुड मॉर्निंग, एक्चुअली मैं जा रहा हूँ एक फंक्शन में, मेरे जीजू की बधाई है। जीजू मतलब एक और जीजू है मेरे, मेरे मतलब वो चाचा की लड़की है, मेरे जीजू है, तो उनकी बधाई जा रही है। एक्चुअली मेरे चाचू की लड़की है, उनके हस्बैंड है, तो उनके साथ जा रहा हूँ मैं। बोलो ना, ये क्या बना रहे हो? अभी बन रही है इलायची वाली चाय, बाहर है ठंड बहुत ज्यादा, इसको हम चाय कम ही पीते हैं। पर अभी बल्ब जलाया हुआ है ना, अंधेरा है यहाँ पे, बाहर धुंध पड़ी हुई है। धुंध पड़ी हुई है ना बहुत बुरी, बड़े देखो कितने जोर जोर से बोल रहे हैं। ग्रोगड़े इलायची, इलायची वाली, वो देखो गर्म हो रहा है। क्या बोलते हैं कि इलायची वाली चाय जो है ना शानवी को बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए हम इलायची वाली चाय बना रहे हैं, साथ में उसमें डालेंगे काली मिर्च। तो ये गई इलायची और ये फिर काली मिर्च पिसी हुई है। ये बहुत ही पानी है, गर्म पानी है ना, मेरे गले को हमेशा रोज ठीक करता है। हमारे नुस्खा बताया था तो मेरे गले की दर्द थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है। ये गर्म पानी बहुत अच्छा है, इससे मेरा जुकाम भी चला जाएगा। अरे बाप रे, क्या बात है, दिखाओ जरा कैसा गर्म पानी है, ऐसा गर्म पानी है। गर्म पानी आपके भी गले में दर्द हो या तो जुकाम हो तो आप एक गर्म पानी लो, उसमें नमक डालो और तुलसी डालो। ये रही तुलसी, बस दो तीन ड्रॉप्स इसके डालो और एकदम से सर्दी खांसी जुकाम सब गायब। मैं जा रही हूँ एक जग में और बाहर हो रही है बारिश, तो ठंड वाला मौसम बना हुआ है, इसलिए स्वेटर भी रेडी कर रही हूँ, प्रेस कर रही थी कपड़ों में, और स्वेटर भी जरूरी है अगर ठंड लगी वहाँ पे। तो पतिदेव गए हैं अपनी सिस्टर के, अब देखो रिश्तेदारी में हर जगह जाना ही पड़ेगा, डैडी के बाद तो हमारा ही काम है। पहले डैडी होते थे तो बेफिक्रे होते थे, हमें पता ही नहीं होता था कहाँ कौन रिश्तेदारी है, कहाँ जाना है, कहीं कहाँ नहीं जाना है। मैं भी बच्चों के बीच में फंसी हुई थी शादी के बाद, एकदम से बच्चे तो और कोई करने वाला होता नहीं था, तो कहीं नहीं जाती थी ज़्यादातर, यही होता था डैडी खुद हर जगह जाके आते थे। लेकिन अब औखा सौखा, अब वो जाएंगे फिर वो पतिदेव वापस आएंगे, वो देखेंगे बच्चों को, और फिर मैं जाऊँगी जो दूसरी जगह है। ये इधर वाली साइड को था और वो उधर वाली, ये मेरी मायके वाली साइड से है और ये इधर ससुराल वाली साइड से था, तो बस वो जाके आएंगे, फिर तब तक मैं रेडी होके रहूँगी, जैसे ही वो आएंगे फिर मैं जाऊँगी। तो अभी मैं हो गई हूँ तैयार और पतिदेव के आने का वेट कर रही हूँ। ये ना बारिश की वजह से इसकी गद्दियाँ झूले की अंदर रख दी थी, वो थोड़ी देर में के यहाँ बैठ के देखते हैं कि पतिदेव कब तक आते हैं, और आपसे भी मैं क्या बात कर लेती हूँ तब तक। ऐसे है, और वो कहाँ डाली शानवी, वो क्रीम कहाँ डाली जो मैंने यहाँ रखी थी पाँव पे लगाने के लिए? यहाँ रख के गई थी बेटा, अंदर नहीं रोनी लगेगी, मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ आजकल बहुत ज़्यादा, तो अंदर रखी होगी। वो आएंगे ना फिर उसके बाद मैं जा पाऊँगी। ये जो रख के गई सच में बहुत भुलक्कड़ हो गई मैं ना, कल परसों शानवी का ले रही थी आधार कार्ड, और उसको पता नहीं इसने मांगा पहले मेरे हाथ से कि मम्मा मैंने देखना है, बोला कैसी फ़ोटो है मेरी, फिर पता नहीं अब इसने रख दिया या मैंने रख दिया कहीं, अब मेरे को बिल्कुल भी याद ही नहीं आ रहा है। स्कूल के एडमिशन के टाइम पे चाहिए होता है ना, तो ये मैं बॉडी बटर पैरों पे लगा रही हूँ। मेरे पैरों की हालत ना इतनी ख़राब हो गई थी गर्मियों नहीं सॉरी सर्दियों में बाहर धूप में बैठने से ना, ये देखो कितनी ज़्यादा टैनिंग आ गई थी, मैं अपने पैरों की तरफ ना ध्यान ही नहीं देती थी बिल्कुल भी, कोई केयर नहीं करती थी। तो आजकल अभी
शादी आने वाली है ना बित्तू की, तो थोड़ी सी केयर करना मैंने स्टार्ट किया। और वो लो जी वो आ गए पापा तुम्हारे, वो देख वो आ गए हैं पापा। पापा के आने से पापा आ चुका है, अब मम्मा अपने अपने काम से जाएगी। तो अभी पतिदेव आ गए हैं घर पे, वो रहेंगे बच्चों के साथ और मैं फिर जा रही हूँ। मेरे साथ मेरी कज़न सिस्टर भी जा रही है, तो वो अपने घर से चल पड़ी है और मैं अपने घर से चल पड़ी हूँ। बस स्टैंड पे हम लोग फिर इकट्ठे मिल जाएंगे। तो मार्केट से होते हुए अभी ये पहुँच गई हूँ मैं, बस स्टॉप है यहाँ पे, बस स्टैंड थोड़ा नीचे है लेकिन यहाँ पर रुक जाती है बसें, तो बस यहीं पे हम वेट करेंगे। तो ये देखो ये पहुँच गई थी मुझसे पहले ही, और अभी बस देखते हैं कि कोई बस हमें मिलती है या नहीं। बस यही चीज़ हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी जैसे गाड़ियों की पैं पैं की आवाज़ें, तो मुझे जो ओरिजिनल वॉइस थी वो हटानी पड़ी। और ये लो जी फिर बस आ गई, ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा हमें, और जहाँ हमें जाना है बस वहीं से होते हुए जाएगी, थोड़ा सा पैदल भी चलना पड़ेगा। तो बस अभी बस में बैठ गए हैं और बस यही बात कर रही थी मैं भी आपके साथ, तो वही ना वॉइस की वजह से मुझे ओरिजिनल वॉइस काटनी पड़ी। और ये रास्ते का व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह तो लगी थी ना बहुत ज़ोरों की बारिश, लेकिन अभी मौसम साफ था, बादल तो छाए हैं पर धूप लग गई है। बाकी पता नहीं मौसम कैसा रहेगा, पर होप कि अच्छा ही रहे। तो अभी हम यहाँ पे उतर गए हैं बस से, और इसके बाद हमारी चलेगी पैदल यात्रा। कितने का दूर है? थोड़ी सी दूर है ये बोल रही है, थोड़ी सी दूर है, थोड़ी थोड़ी करते करते ऐसे नहीं खड़ी चढ़ाई कि चढ़ना पाओ आज। चलो कोई बात नहीं, मतलब कभी कभी ऐसे भी पैदल यात्रा भी करनी चाहिए। हाँ सीधे सीधे चलाएंगे, बूढ़ा नहीं तो बड़े कज ले कर चलो। तो फिर आपको भी यात्रा कराते हैं, दिखाते हैं कि कैसा कैसा रास्ता है। और हम जा रहे हैं एक्चुअली हमारे अंकल लगते हैं वो, उनका ना गृह प्रवेश है तो उन्होंने बुलाया था। और आपको तो पता ही है कि रिश्तेदारी में फिर जाना पड़ता है, अगर हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो फिर वो भी कैसे आएंगे। तो ये है चक्कर सारा, तो इसीलिए फिर पतिदेव गए थे उधर अपनी सिस्टर के उधर, और मैं फिर यहाँ पे जा रही हूँ, मतलब वो ससुराल साइड और मैं माइके साइड। जल्दी बस से नहीं, यहाँ पे ना कीचड़ था, वो देखो ना यहाँ पे कीचड़ था, तो यहाँ पे जगह नहीं थी बिल्कुल भी कि हम साइड हो सकते, इसलिए हमें भागना पड़ा। चलो अभी दिखाते हैं आपको, ये देखो जी इस तरह का व्यू है, और रोड है इसलिए बार बार गाड़ियाँ, हाईवे है ये, बार बार गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ ना क्रॉस होने में भी, इससे तो बेटर था बोला शॉर्टकट से ही निकलते। भैया ये राजी रास्ता भी देखते हैं कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। सड़क है, स्कूटी होती है हमारे पास ना, तो हम भी स्कूटी में जा सकते थे, क्यों ना मेरे पास है ना भाई इसके पास है, तो उस दिन अगर बाइक की जगह स्कूटी ली होती ना तो अच्छा रहना था, जट से बैठे अपने और फुर। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा करते करते ये बहुत ऊपर पहुंच गए, लेकिन अभी भी घर नहीं दिखी कर देड़िए। वो देखो कईयों ने अभी कनक जो है ना कटाई नहीं की है, वो देखो वहाँ से आए हम लोग ये रास्ते रास्ते घूम घूम के, और ये अभी कनक कुछ एक लोग काट ही रहे हैं, तैयार तो हो गई है। और ऐसा है वेदर, सुबह सुबह तो हो रही थी बारिश ना, अभी बारिश तो नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब मैं तो सोच रही थी स्वेटर पहन के आऊँ, अच्छा हुआ नहीं लाई, गर्मी लग रही है अब है ना, अच्छा हुआ नहीं लाई। तो देख लगे डे ऊपर आई हैं, काफ़ी दूर आई है पता, काफ़ी दूर पहुंच गए चलते चलते, लग रहा सुनने ऊपर का कुछ, यही है ऊपर है ना, हाँ दूर दूर आती कुछ भी पाएगा। तो चलिए आपको भी शेयर करा रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं,
ऐसा है, अभी पूछ लेती हूँ भाई से। भाई देख इतनी ऊपर पहुँच गए, घर तो आए नहीं अभी भी। इसको मेरी हो जाती है हालत खराब ना, ज़्यादा नहीं चला जाता। और जब भी मैं पूछ रही हूँ ना इससे, मैं कह इतने ऊपर आ गया अब कहाँ है कहाँ है, बस आ गया तो ये यही बोलती है ना, बस आ गया आ गया। चलो साथ ही साथ आपको मास्क लगा देते हैं अपना। हाँ मेरा लग रहा है ऊपर होकर ना अरे पूजा घर बार दिखाते हैं आपको इधर की कैसे कैसे। नहीं यहाँ हुई लगी ग्राम पहुँचिए। अभी हम पहुँच गए हैं जिस घर में है फंक्शन। ये ना गृह प्रवेश का फंक्शन है और यहाँ पे ना ये मेरी मम्मी और भाभी भाई ये लोग बैठ के खाना खा रहे थे। ये देख रहे थे ना कि भाई वंदना की तरह लग रही है अभी, क्या वही है? फिर मैं बाहर आ गई कि नहीं मैं ही हूँ, तो मेरे को बुला रही कि आज अभी, पर ये लोग बैठ गए थे ना खाना खाने, आधी सब्जियाँ दे दी थी शायद, तो हम लोग फिर वेट कर रहे थे अंदर। और थोड़ा सा मैं आपको घर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे शायद पूजा वगैरह हो रखी होगी, पूरा तो नहीं दिखा रही हूँ थोड़ा सा ही। मेरी बचपन की यादों के बारे में बता दो। यहाँ पे बचपन गुजरा, बचपन की सहेली मिल गई यहाँ पे। और ये हमें तो मैं क्या, चलो अब हमारी बारी आ गई खाना खाने की। और ये रहा आउटडोर, खाना वाना खा के हम लोग आ गए। और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे बस के आने का, काफ़ी देर हमें वेट करना पड़ा। पहले तो मैं लग गई थी पतिदेव को बुलाने, लेकिन फिर बाद में सोचा कि जितने टाइम में वो आएंगे तब तक तो बस भी आ ही जाएगी। फिर थोड़ी सी देर वेट करने के बाद बस आ गई थी। और बाकी बस फिर आज के ब्लॉग की यहीं पर कर रही हूँ एंडिंग। नमस्कार।